नमस्कार, मैं रणधीर सिंह परमार इस समय मौजूद हूं छतरपुर जिले के नौगांव नगर तहसील में। और यहां पर हम मौजूद इसलिए हैं क्योंकि हमारे साथ ये जो तमाम युवाओं, तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम लोगों को आप जो देख रहे हैं वो पर्यावरण दिवस पर नौगांव को हरा भरा बनाने में लगे हुए हैं। ये इतने लोग जुड़ना मामूली बात नहीं, ये लोग इसलिए जुड़े हैं क्योंकि शहर को अच्छा बनाना चाहते हैं, शहर को बड़ा बनाना चाहते हैं, शहर को हरा भरा करना चाहते हैं। हमारे साथ नौगांव की प्रेरणा देने वाले ललित नायक जी, ललित सर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको कहा जाता है ट्री मैन। हालांकि ट्री मैन उपनाम है, लेकिन उपनाम इतनी आसानी से नहीं मिलता, मिला है मेहनत से, मिला है 800 पेड़ों के संघर्ष से। और ये मिला इसलिए है क्योंकि सर ने पिछले करीबन कई वर्षों से पेड़ों की रक्षा करी है, पेड़ों की सुरक्षा करी है और पेड़ों को आगे बढ़ाया है। हम सर से जानते हैं कि सर ये ख्याल आपके मन में कैसे आया और जब आया तो आपने स्टार्टिंग कैसे करी इसकी? एक्चुअली समाज सेवा अनेक प्रकार की होती है, लेकिन ज़्यादातर समाज सेवा में कंट्रोवर्सी के ज़्यादा चांस होते हैं। ये एक ऐसा निर्विवाद विषय है कि इसकी इसमें आलोचना की संभावना शून्य है। तो हमें ये लगा कि ये ऐसा काम है कि हम अगर इसको करेंगे तो न केवल पर्यावरण अच्छा होगा, हम सबको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, हमारी अनेक प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का निदान भी होगा और एक निरापद काम है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, निरापद काम है ये। इसकी अगर कोई प्रशंसा नहीं भी करेगा तो आलोचना करने वाले कमी होंगे, अगर कोई असहयोग मतलब मान लो आपका सहयोग नहीं करेगा तो असहयोग करने वाले कमी होंगे। ये सब कुछ और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी मिलती है, इसलिए मैंने इसको शुरू किया। सर के इस कार्यक्रम के बाद कई लोग इससे जुड़े और आज आप जो युवाओं की, जनप्रतिनिधियों की और हमारे नगर नौगांव के लोगों की जो उत्साह देख रहे हैं वो सर को देखते हुए बनाए। आज हालांकि टीम बड़ी हो चुकी है, सर के सहयोग में सभी लोग जुड़ चुके हैं। आज पर्यावरण दिवस के दिन 11 पेड़ लगाए हैं जो कि महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय नौगांव में लगाकर लोगों को जागरूक किया है। और मेरा कहना है, वरदान एक्सप्रेस की टीम का कहना है कि आप नौगांव के युवाओं, नौगांव के लोगों की इस बहादुरी को देखते हुए, इस प्यारे काम को देखते हुए आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे पन्ने जिले की बात करें, चाहे संपूर्ण छतरपुर जिले की बात करें, चाहे टीकमगढ़ जिले की बात करें, चाहे संपूर्ण बुंदेलखंड की बात करें, लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को ऐसे काम करना चाहिए। कई तमाम चीज़ें, सोशल मीडिया से थोड़ा सा समय निकालें, टीवी से थोड़ा सा समय निकालें और ऐसे काम करते रहें। वरदान एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए आप वरदान एक्सप्रेस। अगर हमारी चैनल आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें। धन्यवाद।